हेलो नमस्कार जय हिंद टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज द न्यूज वो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर थ्री दैट इज़ द नोबेल पुरस्कार इन मेडिसिन नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2023 या किन को मिला एंड क्यों मिला नॉट गोइंग टू डिटेल ओनली यू शुड नो केवल आपको ये जानना चाहिए कि यह कौन से हैं और क्यों इनको मिला है और क्यों क्या है ये थोड़ा सा समझना है तो देखिए एज नोबेल पुरस्कार एंड नोबेल प्राइज इन द फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन दैट इज द टू साइंटिस्ट द कैटलीना कैरिको ये लेडीज हैं एक और दूसरी ड्रॉ विंसन इनको मिला है यह पुरस्कार सो द हुज वर्क इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ एम आर एन ए वैक्सीन सो यहां यू शुड नो वट इज द एम आर एन ए वैक्सीन वैक्सीन क्या है कोविड नाइनटीन वैक्सीन यू नो वेरी वेल वैक्सीन कुछ नहीं होता द फिलॉसफी ऑफ द वैक्सीन दैट ट्रेंड आवर इम्यूनिटी सिस्टम या हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ट्रेंड करता है और इम्यूनिटी हमारे पास दो तरह के होते हैं इम्यूनिटी मीन्स जो हमारे फॉरेन एलिमेंट से लड़ते हैं फर्स्ट इम्यूनिटी को बोलते हैं इनेट्स इम्यूनिटी जो जन्म से होते हैं बर्थ से होते हैं हर किसी में होते हैं सेकेंड होता है एडोप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड जो हम बाद में इसको एक्वायर करते हैं थ्रू द हमारे सेल होते हैं जैसे बीटा सेल टी सेल ये एडोप्टिव एक आर्मी ऑफ प्रोटीन बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी एडोप्टिव इम्यूनिटी तो वैक्सीन का जो रिलेशन है दैट ट्रेंड आवर एडोप्टिव इम्यूनिटी यही काम करते हैं ट्रेंड कर देते हैं ट्रेंड आवर इम्यूनिटी सिस्टम क्लियर सो द वैक्सीन अब बात करते हैं वैक्सीन का वैक्सीन वैक्सीन आर मेनली फोर टाइप फर्स्ट टाइप ऑफ द वैक्सीन मेनली फोर टाइप द फर्स्ट टाइप ऑफ द वैक्सीन ध्यान से समझना फर्स्ट टाइप ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड होल वायरस वैक्सीन उसको क्या बोलते हैं होल वायरस वैक्सीन इसमें क्या करते हैं होल वायरस को बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं जिंदा नहीं करते हैं, उसे मार के करते हैं एटिनेटेड फॉर्म में आधा मरा हुआ करके करते हैं वेन वी इंजेक्ट द दिस वायरस इन आवर बॉडी आवर सेल दैट इज इम्यून सेल इम्यूनिटी सेल बी सेल और टी सेल या एक, एक फौज बनाने लगते हैं प्रोटीन का क्लियर लेकिन यह वायरस क्या होता है होता है तो यह आर्मी एक प्रोटीन बना लेते हैं एंटीबॉडी बना लेते हैं और यह एक मेमोरी में भी रिजर्व कर लेते हैं इन द फ्यूचर अगर वह वा वा वायरस कभी अटैक करते हैं तो यह जो एंटीबॉडी है वह हमें प्रोडक्ट प्रोटेक्ट करता है एंटीजन फॉरन एलिमेंट्स सेकेंड से। से टाइप ऑफ द वायरस होते हैं फूल वायरस नहीं देते हैं उसमें कुछ प्रोटीन दे देते हैं वायरस का कुछ प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन इसको बोलते हैं जैसे कोरोना वायरस के बाद बोलते हैं तो उनका वो स्पाइक प्रोटीन हो गया ये भी दे देते हैं इससे भी हमारा जो सेल है वह ऑब्जर्व करता है कि दैट इज द फॉरेन एलिमेंट और तुरंत प्रोटीन बनाने लगता है एंटीबॉडी बना देता है बाद में जब फ्यूचर में होता है तो वह फिर एंटीबॉडी से हमारे एंटीजन को रोक देता है थर्ड टाइप ऑफ द वैक्सीन होते हैं उसको न्यूक्लियक एसिड वैक्सीन बोलते हैं एसिड वैक्सीन देर आर टू टाइप न्यूक्लियर दो तो, दो तरह के होते हैं एक होते हैं डीएनए डीओबी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए न्यूक्लिक एसिड क्लियर सो so, यहां जो इनको जो पुरस्कार मिला है आर एन ए वैक्सीन में उसमें भी आर एन ए में मैसेंजर आर एन ए वैक्सीन मिला है मुडाना भी बनाया ना आर एन एक्सिन पे मिला है तो तीन टाइप हो गया चौथा जो होता है वह वायरल वैक्टर बेस्ड होता है चौथा जो होता है वायरल वाइक्टर वेस्ट इसमें क्या करते हैं ध्यान से समझना वायरल वैक्टर वेस्ट वैक्सीन इसमें हम क्या करते हैं इसमें द दैट इज द वेरी डिफर फ्रॉम द मोस्ट कन्वेंसनल टाइप वैक्सीन जो हम शुरू से बना रहे हैं ट्रेडिशनल टाइप वैक्सीन इसमें क्या होता है एक्चुअली यह yeah, कोई एंटीजन कंटेन नहीं करता ध्यान से समझना इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे चीज दिए जाते हैं जो कल्चर करके जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ट्रेंड कर देता है मीन्स वी कैन से दिस वायरल वट डिफर फ्रॉम द मोस्ट कन्वेंशनल वैक्सीन इन दैट दे डोंट एक्चुअली कंटेन एंटीजन बट रदर यूज द बॉडी ओन सेल टू प्रोड्यूस देम द डू दिस यूजिंग मोडिफाइड वायरस द वैक्टर यानी इसमें क्या करते हैं वायरस को ही हम मोडिफाई कर देते हैं इन द लैब वायरस को मोडिफाई कर देते हैं लैब में और देन वी डिलीवर द जेनेटिक कोड आरएनए और डीएनए कोड को डिलीवर करते हैं उसके बाद में यह वैक्सीन बनाते हैं देन ट्रेंड आवर बॉडी आ गया समझ में So, इन्हीं के कारण इन दो ले एक लेडीज और एक हैं इनको मिला है कोविड 19 के कारण मेडिसिन 2023 थाउजेंड नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन मिला क्लियर आई होप इट इज क्लियर टू ऑल यहीं ये सारी चीजें लिखा हुआ है होल वायरस वैक्सीन देन द प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन देन न्यूक्लियर एसिड वैक्सीन देन वायरल वैक्टर वैक्सीन क्लियर वायरल वायक्टर वैक्सीन सो सी इन दो चार को तीन भाग में बांट दिया गया सी तो कहीं कहीं मिला था मेन थ्री टाइप होल वायरस वैक्सीन जो अभी हम बात किए हैं जैसे हमारा वैक्सीन जो है क्या बोलते हैं कोवैक्सीन एक पार्ट ऑफ दी इसमें क्या आ गया इसमें आपका आ जाएगा कौन कौन प्रोटीन प्रो प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन सब यूनिट वैक्सीन एंड इसमें और आ जाएगा वायरल वायरल वैक्टर बेस्ड वैक्सीन वैक्टर बेस्ड वैक्सीन है ना और ये जेनेटिक मटेरियल मींस इसमें डीएनए भी आ जाएंगे वैक्सीन और आरएनए आ जाएंगे वैक्सीन सो इसी आरएनए के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है यह पुरस्कार इनको मिला है क्लियर आई होप इट इज क्लियर थोड़ा सा डिटेल्स देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में है वैक्सीन एक तो टाइप्स ऑफ होल वायरस वैक्सीन थोड़ा सा डिटेल्स है इतना जानने की जरूरत बस जस्ट वंस यू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स और तीसरा हो गया टाइप्स ऑफ कंपोनेंट वायरल वैक्सीन यहाँ पे तीन है एक तो होगा होल वायरस एक वायरस का कंपोनेंट बना दिया गया अब यू टॉक अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द वायरस सी ही क्या हो जाएगा टाइप ऑफ होल वायरस इन एक्टिवेटेड और लाइव एटिनेटेड मीन्स क्या होता है कंटेन कॉपी ऑफ द वायरस दैट हैज बीन किल्ड वायरस को मार दिया जाता है और दूसरा क्या होता है उनको वीकेंड कर दिया जाता है पूरी तरह मारा नहीं जाता वीकेंड कर दिया इसमें पूरी तरह मार दिया जाता है तो दो तरह के होल और इसमें टाइप ऑफ अदर प्रोटीन सब यूनिट थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें लिखा हुआ वायरस लाइक प्रोटीन लाइव में करते हैं डीएनए बेस्ड आरएनए बेस्ट एन ये दोनों क्या हो गया न्यूक्लियक हो गया देन नॉन रेप्लीकेट इन वायक्टर अब रेप्लीकेट वायरल वायरल वर्ड वायक्टर वाला दो हो गया तो दो एक दो वन टू थ्री फोर तो ये सब टाइप हो गया तो ऐसे कहने के लिए कहीं कहीं लिखा हुआ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टाइप ऑफ वैक्सीन बट एक्चुअली मेनली थ्री टाइप ऑफ द वैक्सीन थोड़ा सा और एलेबेरेट करेंगे था 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 तो फोर टाइप ऑफ द वैक्सीन थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं आपको एम आर एन ए वैक्सीन यहाँ लिखा हुआ कैन डेवलप्ड एंटीबॉडी अगेंस्ट देम एक बार पढ़ लीजिएगा इसको है ना द एक्चुअल वायरस इन्फेक्ट समॉन द बॉडी प्रिपेयर्ड फाइट इट द टेक्नोलॉजी इवॉल्ड दैट द होल वायरस जस्ट पार्ट ऑफ द वायरल जेनेटिक कोड इंस्टीट ऑफ वायरस जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अब देखते हैं हाउ डू वी विन ए नोबेल नोबेल पुरस्कार कैसे मिलता है इनविटेशन पहले दिए जाते हैं उसके बाद उनका एक डेड होता है उसके बाद में एक कमिटी है जो स्क्रीन करता है देन कंसल्टेशन विथ एक्सपर्ट हेयर देन नोबेल कमिटी देन कमिटी सबमिट द रिपोर्ट देन कमिटी सबमिट रिपोर्ट देन चूजन नेम अनाउंस तो आज नेम अनाउंस हुआ है उसके बाद दिसंबर में इनको मिलेगा अक्टूबर में नेम अनाउंस हो गया दिसंबर में इनको पुरस्कार मिलेगा क्लियर mm -hmm. नोबेल पुरस्कार और इसमें कई तरह के होते हैं नोबेल पुरस्कार देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स टाइप के पुरस्कार होते हैं इसमें जो ए, जो यह कलर है जैसे यह मेडिसिन हो गया इकोनॉमिक्स हो गया आपको केमिस्ट्री हो गया आपको फिजिक्स हो गया ये सारे पुरस्कार जो हैं यह इनविटेशन से मिलते हैं क्लियर और यह पुरस्कार पीस वाला जो है या एनी पर्सन हु मीट द क्राइटेरिया मीट द नोमिनेशन क्राइटेरिया और जो लाल वाला है दैट इज लिटरेचर व क्वालिफाइड पर्सन ओनली दैट गेट दिस पुरस्कार ओनली क्वालिफाइड पर्सन या अल्फर्ड नोबेल साहब थे जो आर डी एक्स का आविष्कार किए थे तो उनसे बहुत पैसा इन्होंने कमाया तो जो भी कमाए उनको न उन्होंने बोला कि साइंस के क्षेत्र में इनको दे दिया जाए इकोनॉमिक्स पुरस्कार बाद में दिया गया जब इकोनॉमिक्स मिलेगा तो उसका थोड़ा सा डिटेल करेंगे कल तो फिजिक्स मिलेगा सो दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़ क्लियर तो इनका एक जो मटेरियल होगा थोड़ा सा डिटेल्स होगा वह मेरा टेलीग्राम चैनल है सेम नेम से टेलीग्राम चैनल है जैसे दैट दा, इज द तिवारी जनरल स्टडी तिवारी जनरल स्टडी उस पर मैं अपलोड कर दूंगा आप उसको थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे और उस पर सारी मटेरियल आपको मिलेगा इवन कभी कभी मैं वीडियो भी डाल देता हूँ इसको या वीडियो आप यूट्यूब से देख लेंगे मटेरियल पूरा आपको मिलेगा ये कहीं कहीं जगह से रिसर्च करके मैं बनाता हूँ और उस पर डाल दूँगा ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे सो थैंक यू एंड हैवे गुड डे थैंक यू